जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि चिन्हों को यदि जोड़ा जाए, यानी कि कोई संख्या प्लस की है और कोई संख्या माइनस की है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, और गुणा करना भी सीखा था, यदि कोई संख्या सेम चिन्ह की है तो कौन सा आंसर आएगा, या फिर कोई संख्या एक संख्या प्लस की है दूसरी माइनस की है, उन दोनों को यदि हम गुणा करेंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि यदि कोई संख्या प्लस की है, दोनों संख्याएं प्लस की हैं, यदि हम उनको घटाएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, यदि दोनों संख्याएं माइनस की हैं उनको घटाएंगे तो कौन सा चिन्ह आएगा, और उसी का सेम हम सीखेंगे कि भाग करेंगे तब कौन सा चिन्ह आएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल है कि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या भी प्लस की है, इन दोनों को हमें घटाना है, तो घटाने के बाद में कौन सा चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अब देखिए, प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कोई संख्या है पांच, ठीक है, तो मान लीजिए कोई संख्या है पांच, पांच में से आपको घटाना है तीन को, ठीक है, तो पांच में से आप तीन को घटा दीजिए, तो पांच में से तीन को घटाएंगे तो कितना बचेगा, दो बचेगा, ठीक है, तो ये दो बच गया। अब दो जो है वो काय का है, प्लस का है, क्योंकि प्लस की संख्या, ये देखिए, ये जो संख्या है ये प्लस की है, और ये वाली संख्या इसका गुणा प्लस वाली संख्या में होगा माइनस का, तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, तो प्लस वाली संख्या में से माइनस वाली संख्या को हमने घटा दिया तो कितना बचा, दो बचा, क्योंकि प्लस की संख्या जो थी बड़ी थी, तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह आएगा। अब देखिए माइनस कब आएगा, अब मान लीजिए कोई संख्या है तीन माइनस, और इसमें से आप घटा रहे हैं पांच को, ठीक है, अब देखिए ये वाली संख्या है ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, लेकिन ये जो माइनस है इसका आप गुणा करेंगे इसके प्लस के साथ, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, तीन माइनस पांच। अब तीन में से आप पांच को घटा देंगे, तीन में से जब आप पांच को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का दो बचेगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो यहां पर चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। चलिए, आप पहली वाली कंडीशन को यहां पर समझ चुके हैं, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन का भी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, माइनस की संख्या और यहां पर हमें घटाना है उसमें से प्लस की संख्या, ठीक है, कोई संख्या माइनस की है उसमें से हम प्लस की संख्या को घटा रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। देखिए कैसे आएगा, मान लीजिए कोई संख्या है माइनस का तीन, ठीक है, माइनस की संख्या ले ली, फिर इसके बाद में हम इसको घटा रहे हैं, कोई प्लस की संख्या है पांच इसमें से, ठीक है, तो इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, अब ये संख्या जो है ये प्लस की है और इसको हम घटा रहे हैं, तो देखिए यहां पर क्या है, माइनस का तीन, इस वाले माइनस का इस प्लस के साथ में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या भी यहां पर माइनस की हो जाएगी, तो ये दोनों संख्याएं क्या हो गई, माइनस की हो गई। अब माइनस माइनस तो हमेशा जुड़ जाता है, तो तीन और पांच कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, ठीक है, तीन और पांच कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, और चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। तो इस तरीके से जब भी कोई संख्या को आप, कोई माइनस की संख्या में से कोई प्लस की संख्या को आप यदि आप घटाएंगे तो चिन्ह हमेशा काहे का आएगा, माइनस का आएगा। तो दूसरी कंडीशन भी आप समझ गए हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरे में क्या बोल रहा है कि एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, इनमें से हमें घटाना है तो हमेशा क्या आएगा, तो यहां पर हमेशा प्लस ही आएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए नौ कोई संख्या है, इसमें से हम घटा रहे हैं माइनस की दो को, ठीक है, नौ में से हम माइनस के दो को घटा रहे हैं, अब देखिए प्लस कैसे आएगा, तो ये नौ है, ठीक है, अब इस वाले माइनस का इस माइनस में गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस, और ये दो है तो ये आ जाएगा दो, ठीक है। अब देखिए नौ और दो कितने होंगे, ग्यारह होंगे, ठीक है, अब 11 काय के होंगे, प्लस के होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, जब दोनों संख्याएं प्लस की है तो चिन्ह काय का आएगा, प्लस का आएगा। तो इस वाली कंडीशन को भी आप समझ गए होंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है। अब चौथी कंडीशन देखिए, चौथी वाली कंडीशन है कि पहली संख्या माइनस की है
और दूसरी संख्या भी माइनस की है। इन दोनों को यदि आप घटाएंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई संख्या है माइनस का 3, इसमें से आप घटा रहे हैं, इसमें से आप घटा रहे हैं माइनस के 2 को, ठीक है। माइनस की 3 में से आप घटा रहे हैं माइनस के 2 को, तो चिन्ह देखिए यहां पर अब काय का आएगा। देखिए ये तो है माइनस का 3, माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा, तो प्लस के आ जाएंगे 2। माइनस 3 में से प्लस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आ गया, ठीक है। तो ये हो गया पहली कंडीशन कि यहां पर माइनस भी आ सकता है। अब प्लस कब आएगा, देखिए अब प्लस का ऐसे आएगा। अब मान लीजिए यहां पर कोई बड़ी संख्या है, मान लीजिए कोई यहां पर 5 है, ठीक है। अब माइनस 3 में से आप माइनस 5 को घटा रहे हैं, देखिए आप इसमें से चिन्ह कैसे बदलेगा। ये 3 का 3 हमने लिख दिया, माइनस और माइनस गुणा हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब माइनस 3 में से प्लस के 5 को आप घटाइए, घटाएंगे तो देखिए कितना बचेगा, 2 बचेगा। प्लस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह काय का आएगा, प्लस का आएगा। तो यहां पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, कंडीशन डिपेंड करेगी यहां पर। अगर ये संख्या बड़ी होगी तो प्लस आ जाएगा, छोटी होगी तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी आप यहां पर समझ गए हैं। तो 4 ये थी, बहुत ही सिंपल थी। अब देखिए भाग वाला जो है, भाग में कैसा होता है ये भी हम समझेंगे। तो देखिए भाग को सिंपली यहां पर समझा देता हूं, अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो इसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो देखिए कोई संख्या है प्लस की और दूसरी संख्या है प्लस की, यदि आप इनको भाग दे रहे हैं तो हमेशा प्लस आएगा। जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में आप 2 का भाग दे रहे हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस है, तो यहां पर जो भी आएगा वो संख्या काय की होगी, प्लस की होगी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई संख्या यहाँ पर प्लस की है और उसमें आप माइनस की संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ऊपर प्लस है मान लीजिए 2 और नीचे माइनस है, माइनस के 2 से आप भाग दे रहे हैं, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस का यहाँ पर प्लस और माइनस का यहाँ पर हमेशा माइनस ही आएगा, ठीक है। और अगली कंडीशन जो है, तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का यदि आप आपस में भाग करेंगे, जैसे कि मान लीजिए माइनस का 4 है और माइनस का 2 है, आप भाग करेंगे तो यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा। कैसे आएगा, देखिए माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2, वो भी प्लस का। तो इस तरीके से आप जो चिन्ह है उनको हल कर सकते हैं। तो आई होप आप समझे होंगे कि किस तरीके से जो चिन्ह है उनको हल किया जाता है। दोनों वीडियो को देखिएगा, दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो है उसका भी और इन दोनों की प्लेलिस्ट का भी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।